This is Simba and I am Akash Vimal. Welcome back to my channel. Or I am sorry agar aapko bahut zyada traffic voices aa rahi hongi. And I'm sure kyunki ye subah ka time hai. Aur jaisa ki maine pehle bataya hai, mera ghar wo main road ke ekdam side mein hai. Aur mere reptiles jo hain wo basking kar rahe hain abhi. So I cannot shut the door. और इसको अभी नीचे जाना है और ये ऐसे भोले जैसी शक्ल बना लेता है. I don't know why. So yes, I'm just gonna feed some of them. काफी को मैंने फीड कर दिया है ऑलरेडी. मैं ऑलिव को फीड करते हुए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बार मैं दिखा चुका हूँ. यू गाइज माइट हैव बीन बोर्ड. तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं. माय स्नैपिंग टर्टल, उसको मैं खाना देने वाला हूँ. और भी मैं सबको आई एम जस्ट गोना कीप अ चेक ऑन एवरीबॉडी. और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं सबसे मिलवाने वाला हूँ. सो यस लेट्स गो. एंड दिस बिग बॉय द अमेरिकन स्नैपिंग टर्टल, ही इज जस्ट बास्किंग राइट नाउ. इनको धूप में बैठना उतना ही जरूरी होता है जितना और रेप्टाइल्स को होता है. ऑल्दो ये कंपैरेटिवली और टर्टल्स के ये थोड़ा कम धूप में बैठते हैं, बट या इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम. एंड एज यू कैन सी ही इज ब्लिंकिंग राइट नाउ. इसने ये काम बंद की भी, आई डोंट नो व्हाई. ही यूज्ड टू बी वेरी मैड एट मी फर्स्ट. पहले जब मैं इसको जैसे ही बाहर निकालता था ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था, पर अब ये काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गया है मेरे. ही इज बीइंग गुड. He is being actually good. Okay. Sorry. तो इतने इसको basking करने देते हैं. Let him have some sun. और इतने मैं आपको मिलाता हूँ मेरे और family members से. Yes, let's go. Have here is one banana. Let's see अगर Snowy या TSA इन दोनों में से कोई भी इसको खाता है. Snowy, ये ले. Okay, she comes. धीरे धीरे एकदम खा ले बेटा. किले 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 किले. अरे why is he doing that? I don't have any idea. किले Snowy, क्या हो गया? किलो somebody want one? तो okay, cats ये नहीं खाती हैं और आपको कभी देना भी नहीं चाहिए. You can see his reaction. Let's see अगर थियसा का मन करता है खाने का तो. थियसा थियसा ये लो 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 ये लो. Okay, finally she goes. She did that. ये ऐसा कभी नहीं करती है, पर हो सकता है इसका भी खाने का मन नहीं होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले ही they had some lunch. और I'm again sorry for the parrot voices जो कि आप सुन रहे हैं. He just shouts for my mother. मैं इससे भी आपको अभी मिलाने वाला हूँ. थियसा ने भी थोड़ी देर पहले लंच किया था, पर तब भी शी हैड अ बनाना बिकॉज शी इज़ अ मिनियन. इसको बहुत पसंद है फ्रूट्स और इसको रॉ फिश भी बहुत ज़्यादा पसंद है. ये हमेशा मज़े में रहती है ऐसे ही. इसको हम बास्किंग करने के लिए बिठाते हैं थोड़ी देर. She is one of the most gentle giants मेरे घर में और she is very cute. बहुत अच्छे से tamed है ये. If you haven't checked her videos out अभी तक तो I would tell you guys to check it out क्योंकि she is very tamed. और last वाले video में खास तौर से मैंने सब कुछ बताया है कि मैं इसको कैसे रखता हूँ, मैं क्या कैसे करता हूँ और इसका क्या बिहेवियर है मेरे घर में. मैंने सब कुछ बताया है. शी इज रियली अ जेंटल जायंट. ऑल्दो शी लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, काफ़ी स्केरी टाइप की,
शी इज़ नॉट लाइक दैट. मैं अपनी छोटी वाली इगुआना को भी ऐसे ही ट्रेन कर रहा हूँ. बाय द वे उसको भी मैं रखने नहीं वाला हूँ, तो इफ़ यू गाइस हैव एनी प्लान टू हैव एनी इगुआना जस्ट कॉन्टैक्ट मी. गिव अवे में मैं उसको नहीं देने वाला हूँ, उसके लिए दूसरी इगुआना आएगी. पर या शी इज गुड, शी टुक हर पोजीशन नाउ. ये एकदम आई विल टेल यू द साइज, ये एकदम इतनी सी चीज़ आई थी मेरे पास. आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी. ये सिर्फ इतनी सी थी जब मेरे पास आई थी. आई मीन इतना साइज था इसका. और अब आप देख सकते हैं शी हैज़ ग्रोन अप टू, शी इज़ अराउंड 4 feet. ओके, एज यू कैन सी द वॉल, ये जो भी वॉल है ये थी ऐसा सोते हुए सपने में भागती है और मेरे सारे वॉल्स को स्क्रैच करती है. थोड़े टाइम में आई एम गोना हैव सम न्यू पेंट, थोड़ा सा नया वाइट वॉश होने वाला है. एंड दिस बॉय इज सिम्बा. आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को पसंद है सिम्बा, उनका फेवरेट है सिम्बा. ही इज चिलिंग आउट. इसके नेक में प्रॉब्लम हो गई थी और आई एम श्योर वो जो हुई थी वो खेलते हुए इसने अपने आप को मार लिया होगा, या फिर ये बहुत देर सो जाता है टेढ़ी गर्दन करके तो वो अकड़ जाती है. बट ही इज़ ऑल गुड नाउ, एज यू कैन सी ही इज चिलिंग आउट. एक्चुअली मैं ही वॉज वॉचिंग द टर्टल, इसको बहुत पसंद है मेरी इगुआनास को देखना या फिर मेरे टर्टल्स को देखना. आई मीन टर्टल को देखना, आई जस्ट हैव वन टर्टल. उतारते हैं वैसे ही सारे रेप्टाइल्स उतारते हैं, टर्टल्स भी ऐसा करते हैं. एंड शी इज बास्किंग राइट नाउ. मैं आपको एक इसका सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं इसका सारा डाइट और पूरा इंक्लोजर और पूरी लाइट वगैरह सब कुछ आपसे शेयर करूंगा. बाय द वे मैं इसको सनलाइट भी दिखाता हूँ, ऑल्दो मेरे पास बल्ब है, बास्किंग बल्ब और यूवीबी भी है, पर तब भी मैं इसको सनलाइट दिखाता हूँ बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. आई मीन जस्ट लुक एट हर, शी इज ग्रोइंग वेरी वेल. जब भी मेरे पास आई थी तो उसके ये स्पाइक बिल्कुल भी नहीं थे. नाउ यू कैन सी देम, दे आर ग्रोइंग क्वाइट वेल. And he's just floating in the water right now. I don't know why he do that. But haan, he is quite chilled out. इसके expressions हमेशा ऐसे ही रहते हैं. Seems like he is smiling. और जैसे ही आप अपनी उंगली पास लेकर जाएंगे, he will just snap at you. That's how they are called snapping turtles. स्नैपिंग टर्टल्स होते हैं, उनकी डाइट एकदम रॉ होती है. आपको काफ़ी सारा देखना होता है कि वो फिश हो या फिर श्रिम्प हो, काफ़ी वेरीड डाइट हो तो ज़्यादा अच्छा होता है. तो अभी तो आई हैव सम रॉ फिश विद मी जो जिसको मैं थॉ करने वाला हूँ अभी. और थॉ करने के बाद आई एम गोना गिव हिम सम. तो अगर आपको पसंद नहीं है ये सब, देन जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये एकदम नेचुरल है, यू आर नॉट किलिंग एनीबॉडी. और मैं इस फिश को, जितने भी ये छोटे छोटे फिशेज हैं, इनको मैं फिश मार्केट से लेकर आया था. लुक एट स्नो योर थी ऐसा. आपको थोड़े से गंदे लग रहे होंगे अभी बिकॉज कल इनका बाथ डे है और वो आज होना चाहिए था, पर मैं इनको बाहर काफ़ी खुला छोड़ता हूँ तो ये पार्क में अच्छे से जाके मिट्टियों में लेट कर आते हैं.
और थोड़ी सी लाइटिंग कंडीशंस भी हैं उसकी वजह से थोड़े कम ग्लोई लग रहे हैं. और थियसा इज ऑन शेडिंग राइट नाउ. एज यू कैन सी उसका ऑलमोस्ट पूरा फर, पूरा कोट उसका झड़ गया है. नया वाला कोट आएगा क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों से पहले ऐसा होता है. एंड स्नोई इज स्माइलिंग एंड थियसा इज जस्ट डूइंग व्हाट शी इज सपोज टू डू. इसको हमेशा प्यार करते रहना होता है, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए. दोनों एकदम साथ में रहते हैं. यूजुअली सिम्बा भी इनके साथ रहता है, बट आई डोंट नो व्हाई, शायद वो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. अरे ओ लुक एट दिस, ये बहुत ध्यान रखती है इसका. ऐसे बड़ी देखी, वेरी 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 नाइस. हाँ तो सिम्बा को इंटरेस्ट आ रहा है अभी ऑलिव या फिर टर्टल को देखने में, तो वो उनको देखने में बिजी है. उसके लिए वो टीवी जैसा है, तो वो जाता है, वो उनको ही देखता रहता है. और उसके बाद आके वो ख़ास तौर से थियसा से बहुत ज़्यादा बॉन्ड है, वो थियसा के साथ ही रहता है. ये बास्किंग के बाद ऐसे ही बेड पर आके बैठ जाती है. मेरा रूम हमेशा मैसी होता है, और वो मैसी होता है ऊपर से वो मैं सोई थी एहसास सिम्बा और ऑलिव मेरे बेड पे लेटे हुए होते हैं. प्रॉपरली पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है मेरे घर पे हमेशा. मैंने वो उसके नीचे कपड़ा लगाया हुआ है उस दरवाज़े के नीचे, एज यू कैन सी, क्योंकि कभी कभार इनके क्लॉज, ऑलिव के क्लॉज उसमें फंस जाते थे. तो अब जब भी मैं बास्किंग के लिए इनको रखने वाला होता हूँ या खुद जाने वाले होते हैं, उससे पहले मैं कपड़ा लगा देता हूँ. और दैट बॉक्स इज सिम्बा का लिटर बॉक्स, है ना ओके. फिश इज़ रेडी टू बी फेड. थोड़ा सा पानी फॉगी हो गया है एंड आई हैव अ पेयर ऑफ ट्वीजर्स, क्योंकि आई डोंट लाइक टचिंग देम विद माई बेयर हैंड्स. तो आई एम गोना जस्ट टेक वन और मैं उसके आगे दिखाने वाला हूँ. लेट्स सी वो कैसे बिहेव करता है. ओके, आई कुड नॉट रिकॉर्ड. इसने एकदम से स्नैप करके He took the fish in और अब उसने छोड़ दिया. I don't know what's wrong with him. But let's see. He's just flushing around. इसका मैंने एक enclosure बना रहा हूँ अभी, वो on the way है. ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, obviously मैंने कल ही पानी चेंज करा था. And as you guys can see, अभी भी इसने पूरा सड़ा दिया है. The fish is over there. इसका obviously ये turtles इतने छोटे enclosure में नहीं रह सकते हैं. This is just for time being. अभी 4-5 दिन में वो वाला enclosure तैयार हो जाएगा, then he'll be able to all swim around and chill out. तो मैं इसका enclosure पे अभी काम कर रहा हूँ, it is on the way. 4-5 दिन में max वो बन जाएगा. मेरा बड़ा वाला aquarium जिसमें discuss रहती थी उसमें he's gonna live. Let's see how he feels. जब तक ये मेरे पास रहेगा ये उसी में रहेगा. अभी इसका खाने का मन नहीं है क्योंकि मैंने कल भी इसको फीड किया था. कल मैंने इसको थोड़े से श्रिम्प्स भी दिए थे, तो आई गेस इसने काफ़ी ज़्यादा खा लिया होगा. और अब मुझे इसका टैंक साफ करना है. सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. मैं आपको अपने पैरट से नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा मिलाने की, बिकॉज मैं उसको बाहर नहीं निकालता, मेरी मम्मी ही निकालती हैं. एंड शी इज़ क्वाइट रेस्टिंग राइट नाउ. और या दैट्स इट, वो भी अभी रेस्ट ही कर रहा होगा. सो वो मेरे को बहुत ज़्यादा काटता है, तो प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना मेक यू मीट हिम. उस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है. आई अंडरस्टैंड दैट. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर पेट्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो, एंड बी वाइल्ड.